नमस्कार, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी जो बनाई जाती है गुजरात में। तो आइए जान लेते हैं मेरे को उसमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो मैंने ये लिया है भिंडी 250, जो आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसे काटा है। बड़ी भिंडी हो तो आप उसमें दो काटिए और छोटी भिंडी हो तो आप उसमें एक ही काट सकते हैं। और भिंडी हमें ऐसे ही काटना है। और भिंडी को बनाने से 1 से 2 घंटे पहले आप अच्छे से धो के और उसको सूखने के लिए रख दीजिए। नहीं तो अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप भिंडी को धो के और अच्छे से कोई भी कपड़े से आप पोंछ सकते हैं, उसके बाद आप लोग ऐसे कट कर लें। उसके बाद मैंने लिया है बेसन, जो बेसन मैं भून के लूँगी। और ये मैं लूँगी उजला तिल। आप काला तिल नहीं यूज़ करिएगा क्योंकि वो खाने में कड़वा लगता है, इसके लिए मैंने वाइट तिल ही लिया है, इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैंने लिया है मूंगफली, और ये मैंने लिया है लहसुन, और ये हरा धनिया, और ये नींबू। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं मसालेदार भिंडी। तो सबसे पहले मैं ये मूंगफली और ये तिल दोनों को अच्छे से करके मैं पीस लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये पीस लिया है। हमें पूरा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो मैंने ये एक बाउल लिया है, इसमें मैं ये डालूंगी पीसे हुए मूंगफली और तिल। उसके बाद मैं डालूंगी ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये धनिया पाउडर। हमें इसे थोड़ा स्पाइसी बनाना है, इसके लिए मसालों का उपयोग थोड़ा ज़्यादा होगा। ये हल्दी और ये जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं डालूंगी ये रोस्टेड बेसन, ये धनिया, गरम मसाला, हाफ नींबू। मैं लूँगी ये पीसा हुआ लहसुन, थोड़ा सा हींग। ये गुजराती आइटम है तो आप लोग तो जानते हैं गुजरात के लोग कितना मीठा खाने में यकीन रखते हैं। तो ये 1 चम्मच चीनी, अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम रेडी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं भिंडी मसाला। तो हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे मूंगफली का तेल, जो गुजरात का खाना ज़्यादातर मूंगफली के तेल में ही बनाते हैं। हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें डालूंगी थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा। मेथी और जीरा को अच्छे से पका के हम लोग इसमें भिंडी ऐड करेंगे। इस टाइम हम लोग थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, मैंने हल्दी डाल दिया है। तो उसके बाद अच्छे से हम लोग मीडियम आंच पे अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे हमें पकाना है। तो आइए अब हम लोग भिंडी चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी भिंडी अच्छे से पक चुका है। हम इसमें इसी टाइम मसाला डालेंगे जो हमने तैयार किया था। हम इसे अच्छे से चलाएंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमें इन्हें ढंग के पका लेना है। उसके बाद ये भिंडी एकदम रेडी है पराठा रोटी के साथ खाने के लिए। बस ध्यान रहे कि ये सब्जी हमें थोड़ा गर्म ही खाना है क्योंकि इसका फ्लेवर गर्म सब्जी के साथ ही आएगा मज़ा।